भाई सामने ये इतना बड़ा थॉमस ट्रेन क्या कर रहा है? और भाई ये तो बहुत ज्यादा ईविल है, मतलब बहुत ही खतरनाक है। एक मिनट गाइस, यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है। ओ माय गॉड, थॉमस ट्रेन की शादी हो रही है। अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दो। एक मिनट गाइस, और पिटाई किसकी हो रही है? मैं सारा सीख से तो देखो। ओह भाई कॉन्ग्रेचुलेशन ईविल थॉमस, तेरी शादी हो गई। शुक्रिया शुक्रिया। ओ शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया गाइस। यहाँ पर लिटरली में ईविल थॉमस की शादी हो गई है, और एक मिनट इतने सारे गिफ्ट भी मिले हैं। और तू एकदम कलंक है, तू कोई थॉमस वॉमस नहीं है, तू एकदम मकड़ा है, निकल यहाँ से, तेरी शादी नहीं होगी, तू तेरी होगी बर्बादी। अरे बिल्कुल सही कह मारे इसको। अरे प्लीज छोड़ दो मुझे। गाइस बेचारे छोटे से स्पाइडर थॉमस को लोग पीट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि ईविल थॉमस ट्रेन की शादी हो चुकी है। ये सब क्या चल रहा है यार? हे रेडक, उस बेचारे स्पाइडर थॉमस को छोड़ दे, वो मेरा दोस्त है। फ्रैंकलिन भाई बचाए मुझे, ये मुझे मार ले। तू यहाँ पर खुद की शादी कराना चाहता है? अरे तेरा बस की कुछ नहीं है। अरे बाप रे, ये ले रेडल, तू कौन होता है इसको बेचारे को जज करने वाला? हाँ हट यहाँ से। वैसे भी यहाँ से तुम सबके सब कितने बुरे हो। अरे भाई रेडल मार इसको, इसको भी मार, ये स्पाइडर थॉमस का दोस्त है। और फ्रैंकलिन दूर चला जा वरना तुझे ही मारूंगा, निकल यहाँ से। अरे शुक्रिया फ्रैंकलिन, थैंक यू सो मच, तूने मुझे बचाया। चरे अरे बाप रे, फ्रैंकलिन बहुत हो गया, अभी बताता हूँ, ये लो। हाँ अरे तुम दोनों के दोनों भगोड़े हो, तुम्हारी शादी होती नहीं बर्बादी जरूर होती है। अरे बाप रे कितना बुरा मारा है फ्रैंकलिन भाई, इतना बुरा मार रहा है ये रेडल। अरे मुझे बचा ले, निकलो यहाँ से। अरे काफी मजा आ गई। अरे दोस्तों ये क्या, बेचारा स्पाइडर थॉमस फालतू में पिट रहा है, और यहाँ पर आपने देखा ईविल थॉमस को कितने मजे ले रहा है लिटरली में शादी करके, और बेचारे स्पाइडर थॉमस को रेडल ने वहां से मार के भगा दिया। मम्मी से कौन शादी करेगा, मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है। काश काश मैं भी थॉमस ट्रेन की तरह बहुत ताकतवर होता, लेकिन मैं एक मकड़ा हूँ। अरे भाई तू मकड़ा है, लेकिन यहाँ पर तू पावरफुल है, तू एक स्पाइडर थॉमस है, हम सब तेरे साथ हैं। तू चिंता मत कर, कोई ना कोई लड़की जरूर मिलेगी तुझे जिससे तेरी शादी होगी। क्या सच में फ्रैंकलिन? गाइस मैं सच कह रहा हूँ ना, गाइस कमेंट में यस लिखो, जिससे हमारे स्पाइडर थॉमस का थोड़ा हौसला बढ़ जाए। बिल्कुल भाई फ्रैंकलिन, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? ओ माय गॉड, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। अरे वाह, ये अप्सरा कौन है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। गाइस देखिए यार, ये तो एकदम पिंक स्पाइडर थॉमस लग रही है मुझे। अरे मुझे काफी शर्म आ रही है, पापा जी कहाँ पर है मेरे? अरे भाई मुझे तो इसको देखते ही प्यार हो गया। क्या प्यार हो गया? बिल्कुल, मुझे इसी से शादी करनी है फ्रैंकलिन, चलना कुछ बात करना, मेरे लिए इससे इसकी दोस्ती करवा देना मेरी प्लीज। तेरी दोस्ती मैं कैसे कराऊं भाई, मैं लड़कियों से बात करने में बिल्कुल कच्चा हूं, मेरे हिसाब से तुझे खुद जाके उससे बात करनी चाहिए। नहीं मैं भी तेरी तरह हूं, मुझसे भी लड़कियों से बात नहीं होती, मेरे बस की नहीं है, प्लीज मेरी शादी करा देना इससे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अमीर स्पाइडर थॉमस की बेटी है, इसको किडनैप करके करोड़ों कमाऊंगा। पापा जी बचाइए, पापा जी। एक मिनट, अरे भाई मेरी पास है स्पाइडर थॉमस, यही सही मौका है, चाह जाकर सुपर हीरो बन जा, जाकर अपनी होने वाली वाइफ को बचा ले, फिर वो तुझसे इंप्रेस हो जाएगी। हां फ्रैंकलिन तू सही कह रहा है, मैं जल्दी से जाता हूं। ए रेडल छोड़ दे। मेरी बेटी को किसने पकड़ा है, उसको जान से मार दूंगा। अरे वाह पापा जी आप आ गए, थैंक यू सो मच। मेरी बच्ची शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दे, मैं ही देरी हो गया। और ये कहां से आ गया? ओ माय गॉड गाइस, उस लड़की का बाप आ गया। ओ माय गॉड, यार फ्रैंकलिन ये क्या, मैं तो बचा ही नहीं पाया उस लड़की को। अरे हाँ यार दोस्तों, पहले कि हमारा स्पाइडर थॉमस उस लड़की को बचा था, उसके पापा आ गए। खैर अभी भी मौका है मेरे भाई, जा जाकर बात कर उसके पापा से, बोल कि तू कितना होनहार है और तू यहाँ पर उनकी बेटी को बचाना चाह रहा था। क्या सच में उसके पापा मान जाएंगे, क्या वो लड़की मुझसे प्यार करने लगेगी? बिल्कुल जा तो। गाइस मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो मेरी शादी इस लड़की से हो जाए और रेडल का मुंह बंद हो जाए और इन समाज के लोगों का भी, तो प्लीज मेरे लिए वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। बिल्कुल गाइस प्लीज यहाँ पर वीडियो लाइक कर दो। हेलो अंकल जी। हेलो बेटा। अरे बाप रे आप लोग कौन है? अरे ये मेरा दोस्त स्पाइडर थॉमस है। तो हम क्या करें, ये आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, पहली बार में देखते ही प्यार हो गया, और ये आपकी बच्ची को बचाने भी वाला था उस लड़के से, वो तो आप आ गए। ऐसी बात है क्या बेटी, यही बात है क्या? मैं नहीं जानती पापा जी, इसको पता नहीं है कौन है। अरे भगाओ इसको, हट यहाँ से, हट यहाँ से। अरे बाप रे, अरे मैडम आप मेरे भाई को मार रही हैं, निकल जाओ यहाँ से। अरे बाप रे मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो आपको बचाना चाह रहा था, निकल। तुम मुझसे प्यार नहीं करता, तुम मतलब ही हो, मेरे पापा जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हो सकता है तुम उस रेडल के साथ मिले हो। नहीं हम रेडल के साथ नहीं मिला है, हम सच कह रहे हैं। गाइस कमेंट में यस लिखो। ओह नो स्पाइडर थॉमस, अरे ये क्या हो गया गाइस, निकल जाओ यहाँ से, मेरी बच्ची से दूर रहो, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। अरे बाप रे फ्रैंकलिन भाई ये क्या हो गया, चल यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि ये लोग हमारी चटनी कीमा सब कुछ
कुछ बना डाले। भागो भाई भागो। अरे बाप रे दोस्तों, ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई हमारी। अरे दोस्तों अब हम क्या करेंगे, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए लोग मेरी इज्जत नहीं करते। ऐसी बात नहीं है भाई, तेरी इज्जत हम सब करते हैं। गाइस अगर आपको स्पाइडर थॉमस पसंद है हमारा तो प्लीज कमेंट में यस लिखो ना। तू चिंता मत कर, मेरे पास एक आइडिया है। किस तरह का आइडिया? हम अवेंजर्स के पास जाएंगे। अच्छा मेरी कार में बैठ, अवेंजर्स जरूर तेरा कहीं ना कहीं रिश्ता लगवाएंगे और तेरी शादी करा देंगे, फिर तेरी इज्जत भी बन जाएगी और उसके बाद लोग तुझसे डरने भी लगेंगे। बिल्कुल भाई, काफी मजा आ रहा है। बिल्कुल हल्क को तो बहुत मजा आ रहा है। एक मिनट गाइस, ये क्या चल रहा है? ओह माय गॉड हल्क, अरे हल्क की नई नई शादी हुई है। ओ भाई भाभी जी कांग्रेचुलेशन। अरे शुक्रिया फ्रेंकी, शुक्रिया। गाइस मेरी पास रहो, असल में मैं यहाँ पर अपने दोस्त को लेकर आया हूँ। क्यों, किसकी शादी करानी है? बिल्कुल शादी के लिए लेकर आया हूँ। कौन है तेरा दोस्त, मैं भी तो देखो। अरे दोस्त मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, मेरा नाम है स्पाइडर थॉमस। अरे बाप रे ये तो इविल स्पाइडर थॉमस है, अरे इससे दूर रखो मैं। अरे बाप रे, अरे अरे मुझे और मेरी वाइफ को इससे दूर हटाओ, उठी क्यों सो, मुझे डर लग रहा है। अरे सुनो सुनो, इससे डरो मत यार, ये बहुत ही प्यारा छोटा सा स्पाइडर थॉमस है, ये तुम्हें हार्म नहीं करेगा। अरे मुझे काफी डर लग रहा है, बचाओ। ही फ्रेंकी भैया डर लग रहा है। अरे फ्रेंकी भैया किसको ले आए? अरे दोस्तों मुझसे डरो मत, मैं तो बहुत ही ज्यादा मासूम सा स्पाइडर थॉमस हूं, मैं तो शादी कराने आया था अपनी। बिल्कुल यार दोस्तों सच कह रहा है। क्या शादी? अरे इसे कौन शादी करेगा यार, देख तो सही है कितना बुरा लग रहा है भाई। अरे असल में एक लड़की है, बहुत ही ताकतवर स्पाइडर थॉमस की बेटी है, वो पिंकी नाम है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी पिंकी से शादी करा दो। अरे बाप रे ये सच में इविल तो नहीं है? नहीं है इविल। तो देखो तो ये शादी करेगा। अरे तू पागल हो गया फ्रैंकलिन, इससे शादी कौन करेगा, ये कितना गरीब है। हम तो इसको इविल समझ रहे थे इसलिए डर रहे थे। अरे ये तो बहुत नूब निकला। अरे दोस्तों ऐसे मजाक मत उड़ाओ। गाइस यार तुम ऐसे इसका मजाक मत उड़ाओ। मैं जा रहा हूँ, अब मैं मर जाऊंगा, मेरी शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। सुन तो स्पाइडर थॉमस रुक जा। ओह नो गाइस, हमारा प्यारा दोस्त चला गया थॉमस। ओह नो, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं अवेंजर्स को, ये जब देखो मजाक उड़ाते हैं मेरा और मेरे दोस्तों का। पहले तुझे बता दो ये ले। अरे मेरा को क्यों मारा? बाप रे ये पागल हो गया, हटो यहाँ से, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। हमेशा मेरे दोस्तों का मजाक क्यों उड़ाते हो यार, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? भैया माफ कर दीजिए। अरे फ्रैंकलिन सुन दो मेरे भाई, इतना क्यों सीरियस हो रहा है, असल में क्या मामला सच में, क्या तू सच में चाहता है कि उसकी शादी हो? अरे बिल्कुल यार, तुम्हें पता भी है कि वो कितना अच्छा है, रेडल कर बाकी के समाज के लोग उसकी बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं कि उसके माँ बाप नहीं है। तुम्हें पता है वो और मैं बचपन से साथ रहे हैं, हम साथ में खेला करते थे और साथ में हमने खूब रेस किए हैं, वो बहुत ही अच्छा स्पाइडर थॉमस है और तुम सबने उसकी बेइज्जती की। अरे फ्रैंकी भैया सॉरी, मुझे पता नहीं था। फ्रैंकी भैया मुझे भी माफ कर दो। अरे बाप रे हल्क को भी माफ कर दो। अरे फ्रैंकलिन यार सॉरी, मैं तो यहाँ पर सोच रहा था कि तू बस मजाक करने के लिए आया। अच्छा चल ठीक है, मैं तैयार हूँ, अवेंजर्स भी तैयार है, हम यहाँ पर उसकी शादी पिंकी से जरूर कराएंगे। क्या सच में तुम तैयार हो? तो चलो मेरे साथ, जल्दी से यहाँ पर हमें अपने प्यारे थॉमस को ढूंढना होगा, उसके बाद गाइस हम जाएंगे लड़की के घर पर और यहाँ पर लड़की के घर वालों को मनाएंगे और स्पाइडर थॉमस की शादी कराएंगे, फिर देखता हूँ गाइस कैसे लोग उसकी बेइज्जती करेंगे। इविल थॉमस बड़ा खुश हो रहा था ना, पिटवा रहा था अपनी शादी में स्पाइडर थॉमस को, वो तो बचेगा नहीं। बिल्कुल सही कहा फ्रेंकी भैया, आप जल्दी से चलो, हम यहाँ पर स्पाइडर थॉमस की शादी जरूर कराएंगे, मैं बिल्कुल शादी करूंगा उनकी, मैं बहुत ही अच्छी तरह से सारी रस्मों के साथ प्यारे स्पाइडर थॉमस और उसकी बीवी की शादी कराऊंगा। फ्रैंकलिन स्पाइडर थॉमस तो नहीं मिला, लेकिन हाँ उस लड़की के घर का एड्रेस जरूर मिल गया है, वहां को चल। पहले हम लड़की के घर वालों को मनाएंगे, फिर स्पाइडर थॉमस को ढूंढकर उसकी शादी करा देंगे, उसको सरप्राइज मिल जाएगा। अरे वाह गाइस यार, वो देखिए वो रहा जायंट इविल स्पाइडर थॉमस। तुम लोग मेरे घर पर क्यों आए हो, मेरी बच्ची को अकेले रहने दो। हाँ पापा जी, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद, इनको भगाओ यहाँ से, मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। अरे अंकल जी हमारी बात सुनो। अरे यार टोनी स्टार्क तू ही जाके बात कर। ए, अंकल जी हल्क को बात करनी है। ए, बच्ची तुझे यहाँ पर शादी करनी होगी मेरे दोस्त से। मेरी बच्ची को धमकी देते हो? नहीं नहीं यार सर, हम आपकी बेटी के शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारा स्पाइडर थॉमस बहुत ही प्यारा बच्चा है, सच में उसके माँ बाप नहीं रहे इसलिए उसको पता है कि किसी को प्यार ना किया जाए तो कितना बुरा लगता है, इसलिए वो जिंदगी भर आपकी बच्ची को बहुत ज्यादा प्यार देगा, समाज में उसकी इज्जत होगी और काफी अच्छा सुपर हीरो बन के दिखाएगा हमारा स्पाइडर थॉमस। क्या बोलती है मेरी बच्ची? मुझे शादी नहीं करनी किसी से भी, मेरा मन नहीं है, पापा जी इनको भगाओ। सुना ना, निकलो यहाँ से। हाँ, चलो भगाओ।
अरे बाप रे मुझे क्यों मारी, अरे बाप रे लड़की पागल है, कौन इससे शादी करेगा, निकलो यहाँ से, पागल है तुम लोग। अरे टोनी सर ये कैसी पिंक स्पाइडर थॉमस है? हाँ यार सही सही मौका होगा, लड़की नहीं तो उसका बाप सही, मैं लड़की के बाप को ही चुरा लूंगा और करोड़ों रुपए में उसको बेच डालूंगा अच्छी डीलर को। छोड़ मुझे, अरे मेरी बेटी का मेरे बिना क्या होगा, नहीं मुझे बचाओ, तू मेरे साथ चलेगा, छोड़ दे, नहीं। अरे फ्रैंकलिन ये क्या हो गया? ओह नो बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरे पापा को बचाएंगे, प्लीज मेरे पापा को बचाओ, मेरे पापा को बचा लो प्लीज, मेरे पापा का मेरे बिना कोई नहीं इस दुनिया में, नहीं मेरा उनके बिना कोई है। ओह नो गाइस, बेचारे पिंकी के पापा को किडनैप कर लिया उस रेडल्क ने, वो तो है, बचेगा नहीं रेडल्क, रेडल्क तू बचेगा नहीं बेटा। फ्रैंकलिन जल्दी चल हमें यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर स्पाइडर थॉमस को ढूंढ कर पिंकी के फादर को बचा लिया तो पिंकी के फादर लिटरली इंप्रेस हो जाएंगे उससे, उसके बाद तो स्पाइडर थॉमस और पिंकी की शादी पक्की है। ओह माय गॉड ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार, अरे वो रहा, अरे मैं क्या करूं, मैं कहां जाके मरूं? ओह नो गाइस ये रहा मैं स्पाइडर थॉमस भाई, टोनी स्टार्क तुझसे कुछ कहना चाहता है, वो तुझसे माफी मांगी जाता है, बिल्कुल यार स्पाइडर थॉमस मुझे माफ कर दे गाइस, कमेंट में जल्दी से सॉरी स्पाइडर थॉमस लिख दो जिससे कि यहां पर हमारे साथ चले। नहीं फ्रैंकलिन मैं नहीं जाऊंगा किसी के साथ, मेरे भाई मेरी बात सुन, असल में जिस लड़की से तू प्यार करता है उसके पापा को किडनैप कर लिया गया है, तो उसमें मैं क्या करूं? अगर तू उसके पापा को बचा लेगा तो वो लड़की लिटरली में तुझसे प्यार करने लगेगी। नहीं अब मैं कोई जादुई ट्रिक नहीं चलाऊंगा, मुझे नहीं करनी शादी, अब मैं मरूंगा, नहीं सुन तो। ओ नो बेचारा स्पाइडर थॉमस को ज्यादा ही टूटा हुआ है, तो चिंता मत कर भाई, हम तेरे लिए तेरे फादर इन लॉ को बचाएंगे और तेरी शादी कराएंगे। अरे बाप रे ये स्पाइडर थॉमस तो बड़ी जोर से भग रहा है, फ्रैंकलिन मुझे मरने दे, मेरे पीछे माता फ्रैंकलिन माता। अरे फ्रैंकलिन अब क्या करें, हम यहाँ पर सीधा जाएंगे उस, एक मिनट दोस्तों वो क्या है सामने, अरे बाप रे लगता है यहीं पर, अरे 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 आजा आजा, अरे बिल्कुल बॉस आजा, अबे फ्रैंकलिन इतने सारे रेडल्क, लगता है गाइस रेडल्क ने अपने क्लोन बना लिया है और ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े माफियाज को हमारे प्यारे स्पाइडर थॉमस के फादर इन लॉ को बेचना चाहता है, कहने का मतलब फ्यूचर फादर इन लॉ को, और साथ साथ में गाइस बेचारे पिंकी का क्या होगा उसके पापा के बिना, मुझे बचाओ। ठीक है ठीक है, $200 million डील पक्की हुई, हटो यहां से, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, मैं भी आयरन मैन का सूट पहना उनके पास इसकी बैंड बजाऊंगा, और ये क्या कर रहे हो, ये लो तुम सबके सब यहाँ पर एकदम बेकार चोर हो, चुपचाप लड़की के पिता को हमारे हवाले कर दो वरना तुम सबको मार देंगे, और अब बाप रे ये लो बहुत हो गई। अरे बाप रे काश स्पाइडर थॉमस हमें बचाने आ जाता, गाइस कमेंट में जल्दी स्पाइडर थॉमस हेल्प लिखो, वो जरूर हमें बचाएगा। फ्रैंकलिन मैं आ गया, मेरे भाई ये ले रेडल, और अब बाप रे मैं तुझसे बदला लूंगा, क्या बोला था मेरी शादी नहीं होगी, मेरी शादी होकर रहेगी समझा, मार दिया। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन कहां पर है तू? अरे वाह बच्चे तूने मुझे बचा लिया, अरे वाह देखा फ्रैंकलिन हमारे प्यारे स्पाइडर थॉमस ने अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को बचा लिया। अरे बाप रे ये क्या, पापा जी आप बच गए, शुक्रिया। अरे स्पाइडर थॉमस मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे काफी दुखी है कि मैंने आपकी बेइज्जती की। अरे कोई नहीं मैंने आपको माफ किया, तो आप तैयार है ना शादी के लिए? बिल्कुल मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे वाह गाइस तो चलो जल्दी से जाकर एकदम बढ़िया ऑर्गेनाइज करते हैं। अरे बाप रे शादी के बाद पैसे लूंगा, फ्री में शादी नहीं कराऊंगा। अरे वाह काफी मजा आ रहा है दोस्तों। गाइस देखिए पिंकी की और हमारे स्पाइडर थॉमस की शादी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जल्दी से कांग्रेचुलेशंस स्पाइडर थॉमस लिख दो, चलो गाइस जल्दी कर दो, और हाँ स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है ना वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा, थैंक यू सो मच।